दोस्तों आज का वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है जो जानना चाहते हैं कि बीएससी कंप्यूटर साइंस यानी कि बीएससी सीएस के टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस के टॉप कॉलेजेस के बारे में। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस के बारे में, देन बात करते हैं कि टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस ये एक अंडर ग्रेजुएट 3 इयर्स बैचलर डिग्री कोर्स है, ध्यान रखिएगा ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, यानी कि इसे कंप्लीट करने के बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन के लेवल पर जो एग्ज़ाम्स होते हैं आप उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करने के बाद आप किसी सॉफ्टवेयर या फिर आईटी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर एज अ डेटा एनालिस्ट जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जॉब प्रोफाइल्स हो सकते हैं। इससे पहले हमने जो वीडियोस बनाए हैं उनमें आपको बताया है कि बीएससी कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करने के बाद जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या हो सकती हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, चैनल की वीडियोज़ में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि बीएससी कंप्यूटर साइंस कौन कर सकता है। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने 10+2 कंप्लीट किया है साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी पीसीएम के साथ या फिर पीसीबी के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस के टॉप कॉलेजेस के बारे में। उसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नंबर 1 पर है लोयला कॉलेज चेन्नई, ये जो कॉलेज है ये तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा चेन्नई तमिलनाडु में है। नंबर 2 पर है फर्गसन कॉलेज पुणे, ये जो कॉलेज है महाराष्ट्र में है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है। इसके अलावा दोस्तों सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, ये जो कॉलेज है मुंबई महाराष्ट्र में है। जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर कर्नाटका में है। इसके अलावा आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज न्यू दिल्ली, ये नई दिल्ली में है। इसके अलावा दोस्तों डॉल्फिन पीजी कॉलेज फतेहगढ़ साहिब, ये जो कॉलेज है पंजाब में है। इसके अलावा रामकृष्णा मिशन रेजिडेंशियल कॉलेज कोलकाता, ये जो कॉलेज है ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा दोस्तों कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर, आप इसमें चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज न्यू दिल्ली, यानी कि ये जो कॉलेज है नई दिल्ली में है। सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना, ये जो है पंजाब में है। पीएससी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस, ये कोयम्बटूर में है तमिलनाडु में है। इसके अलावा दोस्तों कुछ टॉप कॉलेजेस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि कुछ इस तरीके से है। माउंट कार्मेल कॉलेज बेंगलोर कर्नाटका, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर कर्नाटका, पीएससीआर कृष्णामल कॉलेज फॉर वुमेन कोयम्बटूर तमिलनाडु, डीजी रुपेल कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स मुंबई महाराष्ट्र, सेंट जोसेफ कॉलेज बेंगलोर कर्नाटका, मिठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स मुंबई महाराष्ट्र, इतिहास कॉलेज फॉर वुमेन चेन्नई तमिलनाडु, मार इवानिस कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला। तो ये हैं टॉप 20 बीएससी कंप्यूटर साइंस कॉलेजेस इन इंडिया। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको टॉप 20 बीएससी कंप्यूटर साइंस कॉलेजेस के बारे में बताया। तो आप चाहें तो आप इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप जिस स्टेट यानी जिस राज्य में रहते हैं वहाँ के टॉप कॉलेजेस की लिस्ट देख सकते हैं, उनमें से किसी टॉप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों एडमिशन लेने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी बहुत ही ज़रूरी हैं। क्या बातें हैं ध्यान से सुने। आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं सबसे पहले आप उसके बारे में जानकारी लीजिए। उसके बारे में जानकारी लेने के बाद आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कीजिए, एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानकारी लीजिए, फीस स्ट्रक्चर यानी कि फीस के बारे में जानकारी लीजिए, और इसके अलावा प्लेसमेंट के बारे में आप जानकारी लीजिए। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के बाद ही आप उसके लिए अप्लाई कीजिए। उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है, तो एंट्रेंस क्लियर कीजिए, उसमें अच्छा स्कोर करिए और फिर एडमिशन लीजिए, या फिर उसमें मेरिट के आधार पर एडमिशन मिलता है तो मेरिट के आधार पर एडमिशन लीजिए। अच्छे तरीके से कोर्स को कंप्लीट कीजिए। कोर्स के दौरान जब आप स्टडी कर रहे होते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस, जब आप स्टडी कर रहे होते हैं उस दौरान आपको लर्निंग स्किल नॉलेज इन सभी चीज़ों पर फोकस करना है। जब आप इन सभी चीज़ों पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली बीएससी कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करने के बाद आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। आप चाहें तो किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, या फिर आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं, यानी कि आप रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट पर कि आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी कंप्यूटर साइंस आप क्या करना चाहते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को, एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे एंड हर एक वीडियो को आप देख पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।